अलमैकम वेलकम बैक टू मामाशिज ब्लॉग कैसे हैं आप सब अलहमदिल्ला मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं अगर अर्जेंट आपके घर में कोई फंक्शन हो शादी हो कोई आ गई हो तो चाँदी के आइटम्स कुछ काले रहते कुछ आ, चमक नहीं रहती पॉलिश नहीं रहती फिर अर्जेंट जाके समझिए रात के वक़्त कभी कोई फ़ोन आ गया कहीं जाने का है तो फिर काम जाके दुकान के जाकर पॉलिश करने का टाइम तो नहीं रहता फिर जल्दी आप इसको क्या कर सकते हैं घर में ही आसानी से आप इसको मैं कैसे पॉलिश कराना है क्या नहीं मैं आपके साथ शेयर करूँगी चलिए बार बार सुनार के पास जाके दुकान के पास पॉलिश कराने से बेहतर है घर में ही हम लोग पॉलिश कर सकते चलिए ये देखिए पूरा कलेक्शन है चैनों का जो काले हो चुके हैं अब इसको हम लोग घर में ही सफ़ेद और पॉलिशिंग कैसा करते हैं क्या नहीं मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगी चलिए ये पूरे के पूरे जो भी चैन पैर के पायल या चैन बोलते हैं हम लोग ये पूरे के पूरे जो भी है ये पूरे मेरे अम्मी के ये पूरे ये बड़ा वाला जो चैन है ना ये अम्मी का है तीस चालीस साल पहले का है अब चलिए अब कैसे क्या करते सिर्फ़ और सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और दो इंग्रेडिएंट सिर्फ घर में जो भी अवेलेबल है आसानी ज़्यादा कुछ आपको मार्केट में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है चलिए एक बोगोना ले लीजिए छोटा सा बोगना जितने हम लोगों को चैन कितने हैं क्वांटिटी उतना चलिए अब इसको ऑन कर देते हैं अब अच्छे खोलते पानी में हम लोग डालते हैं ना पानी इतना डालो कि अच्छे से जो भी आइटम हमारा रहता ना वो डूब जाना अब देखिए पानी में हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पर खाने वाला सोडा खाने वाला सोडा आप लोगों सब को सबको मालूम छे सबके घर में अवेलेबल रहता खाने वाला सोडा या मीठा सोडा देखिए पानी में डालते कैसा ओए देख आ, उबलने लग गया अब खाने का सोडा कितना डाल रहे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक चम्मच हमारे पास तो इतने चैन है अगर आपके पास थोड़े से है मतलब आधा चम्मच डाल लीजिए चलिए अब पूरे एक एक करके हम लोग पूरे पायल चैन जो भी चांदी के आइटम्स आपके पास घर में अवेलेबल है वो पूरे डाल दीजिए अब इसको एक पाँच मिनट के लिए एक उबाल या दो उबाल आए तक इसको अच्छे से उबालिए घर में ही बैठे देखिए आप लोग देखते ही देखते आपके सामने कितनी माइल गई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ और ये पानी उबला भी नहीं जस्ट मैं ऐसे ही डाली पानी में तो पानी में ही पूरा माइल वगैरह सब कुछ जो कालापन था चाइनों में पूरा निकल गया अब फिर थोड़ा सा अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ये क्या बोलते इसको वॉशिंग सोडा डिटर डिटर्जेंट पाउडर जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है वो जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा नहीं चलो अब इसको भी थोड़ा उबाल आने देंगे दो भी मिक्स कर दिए अच्छे से अब इसको अच्छे से उबाल आने देंगे चलिए जब तक ये उबाल आते रहता है जल्दी से जाइए और जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए चलिए जब तक आप लोग लाइक और शेयर बटन दबा के आते और सब्सक्राइब कर बटन दबा के आते जब तक ये उबाल होते रहता चलिए आप लोग आ गए दबा दिए मुझे मालूम है आई होप इतनी देर तक आप देख रहे तो आपका मेरा वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए चलिए यहाँ पर देखिए पूरे चाइनाओं की देखिए कितनी मैल गई मैं ही आपके साथ वही शेयर करने वाली थी प्लीज़ कोई भी आ, कुछ लोग दूसरे दूसरे पेस्ट वग़ैरह डालते हाँ वो भी थोड़ा बहुत ट्रिक का अच्छा काम करता बट ये वाला देखिए ट्रिक आपके सामने आँखें सामने ही टिप्स एंड ट्रिक्स देखिए पर देखिए माइल देखिए कितनी इकट्ठा इकट्ठा हो गई थी और आपके सामने ही दिख रही कितनी मैल उबाल में आ गई थी अब फिर से मैं आपको ई क्लिपिंग दिखा रही हूँ तो आपको एक बार समझ में आ जाता एक दो एक एक क्या दो बार मैं आपके साथ उबालूंगी तो मतलब आपके साथ शेयर करूँगी मतलब उबाल एक ये क्या दो उबाल तक आप लोग देखें तो मालूम हो जाए ऐसे देखिए कैसा उबल रहा है मट्टी वगैरह भी दिख रही होंगी इसमें जैसे दूध उबलता ना वैसे उबल रहा है चलिए अब इसको दो उबाल आ चुके हम लोग बंद कर देंगे इसको चलिए अब इसको ठंडा होने के बाद हम लोग एक टूथपेस्ट के ब्रश रहता ना जो भी हमारे घर में अवेलेबल रहता पुराना वाला ब्रश अब उसकी मदद से हम लोग इसको क्लीन करेंगे चलिए पूरे चैनों को अच्छे से घिसेंगे जैसे हम लोग दांतों को घिसते ना वैसा एक्चुअली क्या है जो उबाल में ही पूरा निकल गया था फिर भी जो भी संधों में गैप्स में जॉइंटों में अगर कुछ भी माइल रहेगी तो ये ब्रश की मदद से आराम से निकल जाती अच्छे से चमकाना है जैसे शॉप वाले चमकाते ना वैसा चमकाना है मेरे हमारे पूरे पायलों को चैनों को जो भी चांदी का आइटम्स रहता अगर आपके प्लेट्स हो खाने के प्लेट्स या पूछे के आइटम्स भी रहते ना चांदी के अब उसको ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्यों मतलब सिर्फ और सिर्फ उसको आ, वो एक बार एक या दो उबाल तक उबाल दे तो वो निकल जाता देखिए अलहमदिल्ला पूरे के चैन जितने भी हमारे पायल थे चांदी के आइटम्स थे पूरे घिस लिए अब चलिए अब आप सफ़ेद पानी में एक दो बार इसको धो लेंगे देखिए माशाल्लाह कितने उजले दिख रहे शाइनिंग मार रहे ना जब पहली बार आप लोग देखे थे उतने उजले नहीं थे उतने व्हाइट नहीं दिख रहे थे चांदी का आइटम और देखिए ये पायल देखिए कितने काले थे आपको समझ में आता मैं जब निकालती हूँ इसको पायल को देखिए आप लोग देखिए माशाल्लाह ये चांदी का है देखिए आप लोग देख सकते हैं सामने भी और पीछे भी सेम टू सेम कलर है कुछ भी इसको नहीं हुआ और आप लोग समझ सकते हम लोग सालों से ये चैन आईसेज रखते हैं आईसेज क्लीन करते फिर उसको कबड़ में रख देते कुछ उसको पहनते नहीं आ, कुछ भी नहीं करते चलिए शाइनिंग तो कुछ भी नहीं हुई चांदी भी कुछ नहीं गया और माइल तो माइल माशाल्लाह अच्छे से चलेगी चलिए आई होप आपको भी ये ट्रिक पसंद आई होगी तो एक पसंद आएगी तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब दबा दो जो पहली बार देख रहे मेरे साथ अपनी वीडियो ये चैन तो देखिए कितनी काली थी ये चैन भी इतनी सफ़ेद होगी अच्छे से चांदी का जो कलर था वो आ गया ये वाली तुम तो पूछो ही मत ये वाली तो ऐसा था कि काली कहीं कच्चा कचरे में या कहीं घूड़ में पड़ी जैसा दिख रही थी बट माशाल्लाह इतनी सफ़ेद हो गई देखिए पीछे से देखिए नई वाली अब कोई देखा तो नई चैन क्या बोल के बोलता अगर हम लोग शॉप में ले गए तो भी नई कुर्सी पुरानी कुर्सी डिफ्रेंश नहीं मालूम होता उतनी ज़्यादा सफ़ेद हो गए चलिए आप लोग देखिए अब क्या है मैं पूरे चाइना वगैरह सब कुछ आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ क्या है आपको ऐसा प्लेट में रख के दिखाए तो उसकी शाइनिंग नहीं मालूम होती कभी भी आप लोग जाइए शॉप्स में तो उन लोग ऐसे ही पूरे प्लेन जो डार्क कलर्स रहते उसमें रख के उनको आ, वो दिखाते तो मैं भी कोशिश करी थी कि एक ब्लैक सा दुपट्टा ले लूँ और इसमें चांदी के आइटम्स जो भी मेरे पास अवेलेबल थे वो रख के आपके साथ फ़ोटो काट के या दिखाऊं देखिए ये पूरे ये ये तो अम्मी के हैं नीचे वाला भी अम्मी का छे ऊपर वाला मेरी बड़ी बहन का है देखिए ये तो ये इतने काले थे देखो शाइनिंग देखिए कैसे मार रही है जैसे हीरा हो या कुछ हो चलिए ये तो डिज़ाइन बहुत अच्छा है बट मुझे हम लोग नहीं पहनते इतने भारी वाले आइटम तो इसको ऐसे ही रखे हैं आई होप आपको मेरा ये ट्रिप एंड ट्रिक आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ पसंद आ गया तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो भी लेडीज़ है जो चांदी के आइटम्स यूज़ करते हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए उनको एक हेल्पफुल होगा ये लेडीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल टिप है चलो मैं चलती हूँ प्लीज़ जाने से पहले एक बार प्लीज़ मैं आपसे फिर से एक बार मैं बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पर देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पहले का और बाद में का चलो मैं चलती हूँ अल्लाह हाफिज़ दुआ में याद रखिएगा